हमारी सभी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जरूर दबाएं। जय माता दी। मैं आचार्य विनोद दुबे, आपका मित्र, आपका ज्योतिषी और आपका मार्गदर्शक एस्ट्रो हेल्प हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी साथियों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के वर्ष फल 2019 के बारे में कि क्या कहते हैं आपके सितारे, 2019 में आप कहां तक करेंगे तरक्की, इसके बारे में आइए विस्तृत रूप से आज हम चर्चा करते हैं। वर्ष फल 2019 के अनुसार मिथुन राशि के सितारे कहते हैं कि इस वर्ष आपको भाग्य का काफ़ी सहारा मिलेगा और भाग्य का साथ भी आपको काफ़ी मिलेगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज आपके सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति छठवें भाव में गोचर करने से उनकी दृष्टि जो है आपके धन के स्थान पर पड़ रही है, धन के स्थान पर उनकी दृष्टि पड़ने के कारण आपको धन का काफ़ी साथ मिलेगा, अर्थात आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी जाएगी। आइए बात करते हैं मिथुन राशि के करियर के बारे में। करियर के लिहाज से देखते हैं तो यह वर्ष आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको मन मुताबिक कोई न कोई अच्छा सा पद मिलने का योग भी आपके करियर में बन रहे हैं। हालांकि आप अपने करियर में प्रमोशन के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और आपको उसी मेहनत का इनाम जुलाई के मध्य मिलने का योग भी बन रहा है। हालांकि जुलाई से सितंबर तक आपके करियर में कुछ संघर्ष का समय बन रहा है, इसलिए सोच समझ करके ही फैसले लें, अर्थात निर्णय लें, जिससे आपको करियर में किसी तरीके से हानि न हो। लेकिन देखते हैं सितंबर के बाद से अर्थात नवंबर तक आपके करियर में चार चांद लगने के भी योग बन रहे हैं। आइए अब बात करते हैं करियर में रुकावटों से कैसे बचें। आइए अब बात करते हैं उपाय के बारे में। अगर आप करियर में किसी तरीके से रुकावट नहीं चाहते हैं तो आपको बृहस्पतिवार का व्रत जरूर रहें, इससे आपको करियर में काफ़ी लाभ होगा। मिथुन राशि के जातकों के आर्थिक जीवन देखते हैं तो माता लक्ष्मी 2019 में आपके ऊपर मेहरबान रहेंगी, आपके आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी और मजबूत बनी रहेगी। गुरु की शुभ दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही, इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी, लेकिन आपको समय समय पर अपने परिवार का भी ध्यान देना होगा। कारण है कि आप आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, काफ़ी ज़्यादा मानसिक श्रम करेंगे, इसलिए आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। वैसे देखा जाए साल के शुरुआत में आपका धन सेफ रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आपका समाज में रुतबा भी बढ़ा रहेगा और मान सम्मान भी बढ़ता रहेगा आपका। कंपनी और संस्था से इस वर्ष आपको कोई बड़ा सम्मान भी मिल सकता है। गुरु बृहस्पति के छठवें भाव में गोचर करने के कारण आप अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं और आपके आर्थिक स्थिति में बीच बीच में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे आपकी आमदनी मजबूत होती जाएगी उसे ही आपके खर्च भी बढ़ते जाएंगे, इसलिए अपने आय और व्यय में तालमेल बना करके रखें। उपाय, आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए गुरुवार के दिन आलू में हल्दी लगा करके गाय को जरूर खिलाएं, इससे आपके आर्थिक स्थिति पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं शिक्षा के बारे में। वर्ष फल 2019 के अनुसार शिक्षा का स्तर आपका काफ़ी अच्छा रहेगा और परीक्षाओं में आपके नंबर भी काफ़ी अच्छे आएंगे और आपका मन पढ़ाई में बना रहेगा। आपका मेहनत और लगन ही आपके भविष्य का रास्ता बनाएंगे और आप इस वर्ष मानसिक रूप से परिपक्व होंगे। शिक्षा के प्रति आपका लगाव देखने लायक होगा। इस वर्ष आप कोई बड़ी परीक्षा में सफलता जरूर पाएंगे। जो जातक वकालत, इंजीनियरिंग या टेलीकॉम क्षेत्रों से संबंधित पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं इस वर्ष उनको सफलता जरूर मिलेगी। जो जातक विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं उनको विदेश जाने का मौका जरूर लगेगा। उपाय, शिक्षा के क्षेत्र में अधिक सफलता पाने के लिए आपको इस वर्ष गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि के वर्ष फल 2019 के पारिवारिक जीवन में क्या कहते हैं आपके पारिवारिक जीवन के सितारे। मिथुन राशि के सितारे कह रहे हैं कि इस वर्ष आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और शनि के सातवें भाव में गोचर करने के कारण आपको ससुराल से कोई बड़ा तोहफा मिल सकता है। भाई बहन के बीच में प्यार बना रहेगा। बच्चों के साथ आप कहीं बाहर घूमने इस वर्ष जा सकते हैं और आपके परिवार के सदस्यों के बीच में आपका तालमेल भी बना रहेगा और आपके परिवार में इस वर्ष कोई लग्जरी चीज आ सकती है, अर्थात कोई वाहन आप खरीद सकते हैं। इस वर्ष आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम जरूर होगा। आपके भाई बहन में से कोई बड़ी सफलता जरूर पाएगा। उपाय,
अपने पारिवारिक जीवन में सुख शांति के लिए आप सदा माता पिता के पैर छू करके आशीर्वाद रोज लेते रहें। वर्ष फल 2019 के अनुसार आइए जानते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। आपके वैवाहिक जीवन के सितारे कहते हैं कि इस वर्ष आपका अपने पत्नी के साथ तालमेल बना रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ अनबन बन सकती है। जो जातक विवाह के योग्य हैं उनके शादी में इस वर्ष रुकावट आ सकती है, पर साल के अंत में आपके शादी कहीं न कहीं तय जरूर हो सकती है। मिथुन राशि के जो जातक संतान चाहते हैं उनको ईश्वर संतान की प्राप्ति जरूर होगी। उपाय, मिथुन राशि के जातकों के अगर वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आ रही हैं या शादी में अड़चन आ रही है तो आप अपने पास एक हल्दी का छोटा सा टुकड़ा जरूर रखें और जिससे आपके जीवन में जो भी वैवाहिक समस्याएं आ रही हैं वह दूर हो जाएंगी। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि के लव जीवन के बारे में। मिथुन राशि के लव के सितारे कहते हैं इस वर्ष आपके अपने प्रेमी के साथ रूठने और मनाने का दौर चालू रहेगा और आपको अपने पार्टनर के बातों को भी अहमियत देनी चाहिए और उनको भी गौर से सुनना चाहिए। जुलाई के मध्य देखते हैं आपका प्रेम जीवन परवान चढ़ेगा और आपका जो पार्टनर होगा वो आपकी सारी बातें को जरूर मानेंगे। प्रेम के सितारे कहते हैं कि इस वर्ष आपको अपने प्रेमी के साथ अगर विवाह करना चाहते हैं तो आपका संबंध जरूर जुड़ जाएगा, लेकिन देखते हैं कि आपके सितारे तो इंटरनेट के माध्यम से आप अपने प्रेमी से हमेशा संपर्क में बने रहेंगे और देर रात तक बातें करते रहेंगे। साथियों, आपको ये हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को शेयर भी करें। तो फिर मिलेंगे। जय माता दी।